केबल ऑपरेटर हूँ जी हैदराबाद से। और सबसे पहले सभी को नमस्कार और भारत माता की जय। आज का मुझे एक सिर्फ एक सुझाव देना था ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ केबल ऑपरेटर्स ऑफ हैदराबाद एंड तेलंगाना, क्यों ना इनके हमें MSME में जैसे इंक्लूड किया जाए टू बीट द कॉम्पिटिशन, टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए, क्योंकि अभी तो जैसे जमाना टेक्नोलॉजी जनरेशन चेंज हो चुका। व्हेन इट हैज बीन स्टार्टेड इन 1990, नाउ वी आर इन 2022। तो मेरा एक सुझाव था कि अगर से आप गए कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं कि भाई हमें भी जो सो MSME में एक इंक्लूड किया जाए, सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर बिजनेस टू कैटर गुड सर्विसेज अलॉन्ग विद ऑल दी OTT। हमारे यहाँ तो जैसे FTTH का जो है सो काफ़ी बड़ा फैल चुका, जो हम लोग केबल इंटरनेट और सभी सर्विसेज दे रहे हैं। तो मेरा एक और सुझाव है कि जो NTO2 को जो है सो उसे इम्प्लीमेंट नहीं होना है, क्योंकि उससे हमें काफ़ी नुकसान होगा। That's all I want to say. Namaste. Okay, ji. Thank you very much. We have made note of your suggestion. Our channel पे DST लगाया था, वो कैसे लेने का था? क्योंकि हमारे यहाँ इटारसी में एक MSO है, उसने हर चैनल पे ₹19 का चैनल हमें बेचा और हर चैनल पे ₹18 प्लस GST लिया और ₹20 पर चैनल उन्होंने स्लैब चार्जेस भी लिए हमसे। और इसके लिए ना कोई सुनने वाला, ना कोई हमें कुछ बताने वाला। पूरे शहर के ऑपरेटरों ने मजबूरी में पर चैनल ₹18 GST भरा है और ₹20 पर चैनल GST भी भरा है। GST का बर्डन तो अभी टैक्स का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जो चैनल का हमने MRP रखा है उससे GST अलग है, तो 18 या 19 रुपए जो भी है उसको GST जोड़ के चैनल ₹23 हो जाता है। हालांकि ये सुझाव पहले भी कई लोगों ने दिया है कि वो MRP में इंक्लूडेड होना चाहिए, तो हम उस पर विचार कर रहे हैं। जो दूसरा मुद्दा आपने स्लैब रेट का बोला है ₹20 वाला, वो January 2020 के बाद स्लैब रेट खत्म कर दिए हैं। नेटवर्क कैपेसिटी फीस में अब दो ही स्लैब है, पहले 200 चैनल के लिए ₹130 और उसके बाद कितने मर्जी चैनल प्लेटफॉर्म पे है सारे चैनल के लिए एक अलग स्लैब है ₹160। MSO इसके अलावा कुछ भी नहीं चार्ज कर सकता। अगर कुछ चार्ज कर रहा है तो कृपया थोड़ा सा कागज पत्तर लगा के हमें वो भेजिएगा, हम उस MSO के साथ उचित कार्रवाई करें। आपकी दोनों बातें मैंने नोट कर ली है, थैंक यू। उसका रीजन ये है कि NTO1 के बाद ये शुरू हुआ, पूरा डाउनफॉल चालू हुआ। NTO1 के आने के बाद बहुत सारा नुकसान हुआ है। OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद काफी कुछ उपभोक्ताओं जो 180 से ₹250 तक का चार्ज किया जाता था, अभी वो 350 से ₹500 तक का प्रति महीने दिया जा रहा है। हम LCO के प्रमुख रूप से हमने ग्राहकों को खोया है, हमसे ये कोई ना अपने खोया हुआ ये बिजनेस हम वापस कैसे ला सकते हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है हमारे लिए, जिसका मूल्य समग्र भारत के ब्लॉकेट संख्या में गिरावट देखी जा सकती है। एक बहुत बड़ा सरदर्द है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ फ्री में सब बांटा जा रहा है और दूसरा OTT प्लेटफॉर्म के लिए बांटा जा रहा है, और सारी ये चीजों के लिए जिम्मेदार एक ही जन है और वो है ब्रॉडकास्टर क्या चाहते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हमने तो ट्राई के जो भी नियम रहते हैं, जब ट्राई ने जो भी नोटिफिकेशन गिरा है, जो हम उनके साथ खड़े रहे, हम भी चाहते हैं कि सरकार को टैक्स मिले, GST मिले, लेकिन यानी पूरा ये बिजनेस उन्होंने चौपट करके रखा है। तो ये सारा ब्रॉडकास्टर देन है, तो कैसे बिजनेस करें और कैसे हम आगे बिजनेस कर पाएंगे, बरोबर है ये, उसके लिए आपको बहुत इसके लिए कड़क और दंडात्मक कार्यवाही ब्रॉडकास्टर के सामने करनी होगी। और OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत सारा आपको सोचना होगा, क्योंकि जब तक ये रेगुलेट नहीं होगा,
तब तक ये बहुत दिक्कत आएगी। हम तो पहले से ही ट्राई के साथ और नियमों के साथ खड़े हैं, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। जब हमें कहा जाता था ब्रॉडकास्टर की तरफ से कि भैया हमें ये रेगुलेट नहीं है, रेगुलेशन कीजिए, उन्होंने ही चिल्लाने चालू किया था, हम लोग तैयार भी हो गए। उसके बाद काफी चीजें डेवलप हो गई, लेकिन आपको ये देखना होगा कि एलसीयू आज मर रहा है, तो एलसीयू के बारे में आपको बहुत कुछ करना होगा। और हमें आपके आपसे ही उम्मीद है, और वाघेला जी से तो बहुत उम्मीद है, हमारे गुजरात से है और गुजरात से तो बहुत सारे, हमने तो अब 2000 के साल में ही ब्रॉडकास्टर के सामने इतनी किए। बीच में हमने आपके इश्यू सुन लिए हैं, आपने मुद्दे की बात जो कही है ब्रॉडकास्टर पे प्राइसिंग की कही है, ओटीटी की कही है, हमने ये सारे मुद्दे देख लिए हैं। टीटी फिनिश का मुद्दा है, आप ओएचडी में भी ये मुद्दे बोल चुके हैं। मेरा अनुरोध है आप बात अपनी खत्म कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी हम मौका दे सके। ठीक है सर, लेकिन ये बारे में बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। आप आपका जो भी होगा तो वो निर्णय आखिरी होगा, लेकिन वो जो एलसीओ के हित में होगा वो आप बेस्ट कीजिए हमारे लिए, क्योंकि तो हमारा ये बिजनेस में खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। एनटीओ 1 आने के बाद आधा हो गए हम लोग, अभी एनटीओ 2 लागू होगा तो हम लोग तो खत्म ही हो जाएंगे। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ब्रॉडकास्टर को कंट्रोल दीजिए। धन्यवाद सर, थैंक यू। नेक्स्ट वर्ड्स, मुझे फ्री डिश के बारे में बात करना सर। इंदौर हमारे कनेक्शन थे सर, 1000 कनेक्शन थे, आज हम 300-400 कनेक्शन पे आके रह गए। फ्री डिश मतलब चैनल दे रहा है, सोनी दे रहा है, ये दे रहा है, और सर इसके सिलसिले में बोल रहा था। ये इशू हमने लिख लिया है, फ्री डिश वाला, और लोगों ने भी फ्री डिश का इशू उठाया है, तो जी सर, जी सर, एक सर 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 एक और छोटा ऑपरेटर बोलते हैं, आप सब लोग बहुत बड़े उद्यमी हैं, अपना धंधा करते हैं, 4 से 8 लोग रोजगार देते हैं, आपने आपको छोटा मत बोला कीजिए। जी धन्यवाद सर। ठीक है सर, एक और था मेरा क्वेश्चन। हमारे वहाँ लोकल एमएसओ जो है किसी भी एरिया में डमी ऑपरेटर खड़ा कर देते हैं, और किसी को भी जरा धमका कर बॉक्स चेंज करा लेते हैं, वो ये करा लेते हैं। That is why we are having this meeting. आज ये मीटिंग इसीलिए कर रहे हैं।
आपकी बात हमने नोट कर ली है कि रेट बढ़ गया, पहले आपको कम पैसे बहुत परेशान है और हमारे कनेक्शन से भी कम हो गए इसी कारण से। हाँ, उसी के लिए ये चर्चा हम कर रहे हैं, आपकी बात हमने नोट करी है और हम देखेंगे क्या आप उचित कार्रवाई करें। पहले एंटीबायोटिक भी नहीं रहेगा तो पहले से हम जैसे वैसा रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हमने आपका सुझाव नोट कर लिया। थैंक यू सुभाष जी। क्या रिक्वेस्ट है?